सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 उसके जो डिस्क ब्रेक है उसके पैड कैसे चेंज करते हैं। तो डिस्क ब्रेक के पैड है वो हमें 15 से 20 हज़ार किलोमीटर रनिंग होने के बाद चेंज करने होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाने के पहले हम उसको चेंज कर देते हैं तो हमारी डिश है वो ख़राब होने से बचती है। तो ये जो 12 नंबर के दो बोल्ट होते हैं ये हमें निकालने हैं, तो ये मैं निकाल के लेता हूँ। तो ये बोल्ट निकाल देंगे तो ये जो हमारा सिलेंडर यूनिट या फिर कैपिलियर यूनिट जिसे कहते हैं वो बाहर आ जाएगा। तो इसके बाद हमें ये जो लॉक है ये निकालना होता है, ये देखो ये निकल गया। और इसमें ये जो पिन होती है ये हमें इस तरीके से एलिन की या फिर कील वगैरह रख के आप निकाल सकते हो और उसके बाद हैमर से हमें मारना होता है। देखो इस तरह ये पिन आ जाती है। तो ये पिन आने जाने के बाद ये जो हमारे पैड है ये आ जाता है। ये देखो ये पैड एकदम घिस गए, थोड़े से ही रह गए थे। तो पुराने डिस्क पैड निकालने के बाद हमें जो ये कैपिलियर का फाउंडेशन होता है वो निकालना है। उसके बाद ये जो आप सिलेंडर देखोगे उसके पिस्टन बाहर आए हुए होते हैं तो नए ब्रेक पैड इससे बैठेगे नहीं, तो ये पूरे हमें अंदर दबाने हैं। अंदर दबाएंगे तब भी जो हमारे नए वाले ब्रेक पैड जो हम लगाने वाले हैं वो एकदम ठीक तरीके कैसे लगेंगे। उसके लिए मैं एक पुरानी डिस्क पैड लेता हूँ और उसके बाद इधर कलर है इसके लिए कपड़ा रख देता हूँ और ये जो बड़ी वाली पकड़ है उससे मैं इसको अंदर दबाता हूँ। ये देखो ये इस तरह अंदर चले जाएंगे, ये देखो। तो अब जो हमारे नए डिश पैड है वो लगने वाले हैं तो इससे पहले मैं इधर की सफाई कर लेता हूँ, थोड़ी मिट्टी वगैरह है उसको साफ कर। तो क्लीनिंग हो जाने के बाद ये क्लिप मिलती है, ये क्लिप थोड़ी आगे की तरफ आपको ऐसे फैला के लेनी है। ये नहीं करोगे ना तो क्या है डिस्क ब्रेक है ना वो आवाज़ करेंगे गाड़ी चलते समय, ये अंदर हिलेंगे और किटकिट किटकिट ऐसे आवाज़ करेंगे। तो ये क्लिप फैला के हो जाने के बाद ये जो कैपिलियर पिन्स है इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगाना है दोनों पिन में, ये देखो, और इसको लगा देना है। ये देखो ये बैठ जाने के बाद जो नए डिश पैड है ये लगाने हैं। तो नए डिश पैड ओरिजिनल है तो 284 रुपीज़ इसकी कीमत है ओरिजिनल की, ठीक है। तो अभी इसकी फिटिंग करनी है, ये देखो ये बाहर की तरफ का और ये अंदर की तरफ का। ये दोनों डिश पैड लगने के बाद इसकी जो पिन हमने निकाले थे वो लगानी है। लगने के बाद इसका लॉक लगाना है, ये देखो लॉक भी लग गया। तो जो दो डिश लगाए हैं उनमें बीच में हमें गैप बनाना है, ये देखो इस तरह। तो ये हो जाने के बाद जो हमारा जो डिश ब्रेक का यूनिट है वो एकदम टेढ़ी है लगने के लिए। तो अब इसको बीच में डिश रख के हमें इस तरह लगा देना है। ये जो 12 नंबर के जो नट हमने निकाले थे वो लगाने हैं, तो अब फिटिंग पूरी हो गई है। और अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ब्रेक, ये देखो और ब्रेक भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए।